गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 11। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹420, सेलिंग मतलब एसपी इज गिवन टू अस 420। अ डीलर सफर्ड अ लॉस ऑफ 16%, उसको कितना लॉस हुआ 16% का। सो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें सीपी फाइंड करना है, राइट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी ₹100। सिंस लॉस्ट इज 16%, देन एस पी क्या हो जाएगा, सी पी माइनस लॉस ₹84। सो अगर एस पी 84 है तो सी पी 100 है, अगर एस पी 420 है तो सी पी क्या आएगा, हमें यही चाहिए ना, राइट। तो सी पी इज इक्वल्स टू ₹420 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 84, राइट। जो कट हो रहा है हम कट कर रहे हैं 84, 5 ज़ार 420, सो 500 ज़ार 500। नाउ वी नो वी वॉन्ट गेन ऑफ 20%, यहाँ लिखा है ना टू गेन 20%, तो हमें वापस एस पी चाहिए। फॉर दैट गेन सी पी अगर ₹100 है तो एस पी क्या है 20% का गेन, तो 120। अगर सी पी ₹500 है देन एस पी इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइड बाई 100, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू ₹600। वरुण सोल्ड टू अलमीरा फॉर ₹2730 ऑन वन ही लॉस्ट 9% वाइल ऑन द अदर ही गेन्ड 15%। फाइंड हीज गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो एक जब बेचा तो उसके ऊपर ऑन वन ही लॉस्ट 9%, मतलब 9% का लॉस हुआ, एंड दूसरे में 15% का गेन हुआ। सो टोटल क्या गेन और लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन इट वाज लॉस ऑफ 9% तो सीपी क्या था, एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीपी। See, on last example, we have solved it this way and you can solve it this way also. Okay, यहाँ पे भी SP multiplied by 100 divided by 100 minus loss percentage, यही है, देखो 100 minus loss percentage, 100 minus 84, 100 minus loss percentage 16, that is 100 minus 16 is equals to 84, वही formula है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के मैंने सिखाया है आपको। Now, SP क्या है, 2730 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 9, दैट इज 91। सो डिवाइडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ 7 13 ज़ार 91, एंड इसको भी 7 से डिवाइड किया, वापस 13 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, दैट इज 30 100 ज़ार 3000। नाउ सेकेंड अलमीरा जब बेचा तब गेन कितना था 15% का, अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गेट ₹2373.90। टोटल सी पी, टोटल कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ा 3000 प्लस 2373.90 इज इक्वल्स टू 5373.90। टोटल एस पी जब दोनों ही बेचे थे तब कितने के बेचे थे उसने, 2730 के, एक 2730 का, दूसरा भी 2730 का। सो कितना गेन हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना एस पी हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2730, दैट इज 5460। Now here we can clearly see के this is greater than this, so it is again gain, दोनों बेच के उसको फ़ायदा ही हुआ है, कितने का फ़ायदा हुआ है 5460 माइनस 5373.90, दैट इज ₹86.10। ओके, अ मैन बॉट टू कंप्यूटर्स फॉर ₹45000, दैट इज 45,000, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो यहाँ पे हमें सी पी दे रखा है, लॉस परसेंटेज दिया है एक का एंड दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो हमें एस पी फाइंड करना है दोनों का। सो एट द एंड एस पी क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर का एंड सेकेंड कंप्यूटर का, ठीक है। तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेट इज सेम, तो दोनों का सेम ही है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेट। सी पी हमें दो कंप्यूटर्स का दे रखा है, लेकिन हमें एस पी सेम है ऐसा बोला है, दोनों ही उसने बेचे सेम प्राइस पे है। सपोज उसने 50,000 का एक बेचा तो दूसरा भी 50,000 का ही बेचा है, तो हम उसको क्या लेंगे अभी, एक्स,
लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, तो हमें एक्स की टर्म्स में दो दो वैल्यूज़ मिलेगी इस तरह 100x बाई 95 प्लस 100x बाई 105। बाई सॉल्विंग दिस वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज गिव इन डिनोमिनेटर सो हियर इन न्यूमरेटर राइट, देन वी विल गेट एक्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट कंप्यूटर की प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इट इज़ गिवन ओवर हियर 100x अपॉन 95 एंड सेकेंड की 100 बाई 105x। विल अप्लाई जस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस टू थिंग्स ओके। मनीष बॉट 1000 पेंसिल्स फॉर रुपीज 3000, मतलब एक पेंसिल कितने की हुई 3000 डिवाइड बाई 1000 एंड सॉल्व 200 ऑफ दिस एट गेन ऑफ 5%, एट वॉट गेन परसेंट मस्ट बी मस्ट सेल द रिमेनिंग पेंसिल सो एज टू गेन 15% ऑन द होल ट्रांजेक्शंस। पहली 200 उसने 5% पे बेच दी, ठीक है 5% गेन पे, सो पूरा जब गेन ट्रांजेक्शन होता है तो 15% के होना चाहिए, तो बाकी की जो है वो कितने में वो बेच सकता है, ठीक है बाकी की कितनी बची है 800 पेंसिल्स आर देन, आई काउंटेड फ्रॉम 3000 पेंसिल्स आर देन, तो बाकी कितनी बची 800। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेंसिल्स कितना हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 600, गेन ऑन 200 पेंसिल्स इज 5% ऑफ रुपीज 600। ये दिया है ना मैं 200 पेंसिल बेची तब 5% गेन हुआ था, 5% किसका गेन 600 रुपीज़ का, सो 5 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 600 इज इक्वल्स टू रुपीज 30 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ एस पी ऑफ 200 पेंसिल्स कितनी होनी चाहिए, 30 रुपीज़ का गेन है तो सी पी प्लस गेन इज इक्वल्स टू एस पी दैट इज 630 रुपीज। फॉर 15% गेन ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में हमें कितना 15% गेन चाहिए, तो सी पी ऑफ 1000 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 3000, एस पी ऑफ 1000 पेंसिल्स कितना होना चाहिए 3000 प्लस 15% ऑफ 3000, ठीक है पूरे पूरी 15% ऑन होल ट्रांजेक्शन लिखा है, सो ऑफ रुपीज 3000 ओके। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 00 गेट्स कट, 15 3 45, 0 इसका लगेगा यहाँ पे, सो 450, सो कितना उसको सेलिंग प्राइस कितना होगा 3450। नाउ वी नो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेंसिल्स तो यही था, ठीक है तो 630, तो 800 पेंसिल का कितना होगा अभी 3450 माइनस 630 दैट इज 2820। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2400, सो गेन कितना हुआ उसको 2820 माइनस 2400, सेलिंग प्राइस ऑफ 800 पेंसिल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 पेंसिल्स दैट इज 420। हमें परसेंटेज में काउंट करना है, गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100, गेन कितना है 420 का, 420 अपॉन 2400 सी पी है, 00 गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, सो 420 बाई 24 इज इक्वल्स टू 17.5%। विद दिस एक्सरसाइज 9.2 इज ओवर टुडे।